इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं sadaknama.com। हरियाणा के सिरसा में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, आज कोरोना के 7 मामले सामने आए हैं, जिनमें से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव भी कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि सिरसा के हुड्डा सेक्टर 20 में रहने वाले दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव, जो कि कल चंडीगढ़ से सिरसा लौटे थे और जब उनको थोड़ा महसूस हुआ तो उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में जाकर के जो है सैंपल दिया और आज उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। हम आपको बता दें कि हाल ही में जो हुड्डा सेक्टर निवासी 40 वर्षीय जो कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, उनको दुष्यंत चौटाला का निजी सचिव लगाया गया था और उनको चंडीगढ़ चूँकि गए हुए थे तो उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि है वो सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने भी की है। उन्होंने कहा है कि निजी सचिव के बाकी परिवार के जो सदस्य हैं उनके भी सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कल आएगी। और ये भी हम कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने भी अपना सैंपल दिया था चंडीगढ़ में, जिसकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। लेकिन हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि निजी सचिव जो है दुष्यंत चौटाला से नहीं मिले थे, लेकिन कल वो है सुबह चंडीगढ़ से सिरसा लौटे थे और उन्होंने अपना सैंपल दिया था, उसके बाद है जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आ गई है। हम आपको बता दें कि 7 पॉजिटिव केस के साथ ही जो सिरसा में जो आंकड़ा है वो 234 पे पहुंच गया है। और इस वक्त जो है जानकारी, ये बड़ी जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ, कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके पारिवारिक सदस्यों के सैंपल भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिए हैं, जिनकी रिपोर्ट है वो जल्द आ सकती है। हम आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग और खास करके सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन लोगों को एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें और घरों से बाहर निकलते वक्त चेहरे पे मास्क लगाएं, मास्क लगा करके ही किसी काम जाएं और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि जिस तरह से लोग एहतियात नहीं बरत पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं रख पा रहे हैं, उसी को लेकर के लगातार संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। आज जो 7 केस जो पॉजिटिव मिले हैं उनमें से अधिकतर केस ऐसे हैं खास करके जो कोरोना पॉजिटिव केस के ही फैमिली से जो संबंध रखते हैं या उनके ड्राइवर हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो लगातार जो संक्रमण है उन्हीं लोगों से बढ़ रहा है, क्योंकि एहतियात पूरी तरह से नहीं बरत पा रहे हैं और कोरोना जो पॉजिटिव केस है उनके संपर्क में आने से ही लगातार संक्रमण है वो फैल रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।